जब देखते हैं अपन दिख रहे पेंडुलम, जब ऐसे देखते हैं किसी भी जगह का, तो डिप निकालने के लिए रखना है ऐसा, स्ट्राइक डायरेक्शन और डिप का डायरेक्शन वो देखना है, तो हमेशा ऐसे रखना पड़ेगा एकदम हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। डिप डायरेक्शन, स्ट्राइक डायरेक्शन ऐसा। डिप का अमाउंट जब निकालना है, तब ये जो पेंडुलम दिख रहा है उसको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो ये सर्कुलर वाले जो ये जो है ना वाटर लेवल जो उसको देखेंगे, स्प्रिट लेवल वाटर लेवल जो भी बोलते हैं, और ये ट्यूब वाला जो है ये अपन सिर्फ डिप निकालते समय देखेंगे, ठीक है। ये वाले को जब कोई स्लोप को अपन ऐसे देख रहे हैं, जैसे ये स्लोप है और इसमें ऐसे अपन रख के देखना चाह रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ट्यूब जो है उसके अंदर में जो एयर बबल है वो सेंटर में आना चाहिए, इसको ऐसे ऐसे रखेंगे, जैसे ये स्लोप है अपना ऐसे, इसमें ऐसे रख दिए। रखने के बाद ये पीछे की तरफ यहाँ पर क्या रहता है, ये उसको पेंडुलम को मूव करने के लिए ये रहता है, ठीक है। तो जैसे ही ये किए इसको फिर ऐसे रख के अपन देखेंगे, और ये जो ट्यूब है उसका जो एयर बबल वो एकदम सेंटर में आ जाना चाहिए, देखो ऐसे करके। और जैसे वो सेंटर में आएगा छोड़ दो, इसको ऐसे रख लो। अब देखो ये जो ऐसा पेंडुलम बना है उसके सेंटर में यहाँ पर एक लाइन है, फिर इधर 30 30 60 60 ऐसा है। अपन सेंटर वाले को देखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ अंदर में एक सर्कुलर ऐसा वो बना है, यहाँ सेंटर पे जीरो है, फिर 10 20 30 40 90 तक गया, फिर यहाँ पर भी 10 20 30 40 90 तक। तो मैं अगर ऐसे इधर स्लोप से देखता हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं ऐसे देखता हूँ, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका रीडिंग नोट करेंगे। जैसे ही वो यहाँ बबल सेंटर में आ गया, देखो यहाँ पर ये जीरो लिखा है, ये इस जगह अंदर की तरफ W के ठीक बाजू में, उसके बाद फिर इधर गए तो 10 लिखा है, तो ये वाला जो लाइन 10 से मिल रहा है, मतलब 10 डिग्री का स्लोप था, है ना। जितना मैं ऐसे रखा था 10 डिग्री का स्लोप दिखा रहा है, तो ये कितना हो गया अमाउंट ऑफ डिप, 10 डिग्री। नति की मात्रा, हिंदी अगर पढ़ते हैं तो नति की मात्रा 10 डिग्री लिखे रख, ठीक है। और अमाउंट ऑफ डिप बोल रहे हैं तो 10 डिग्री का, वो भी वही है ना, दोनों ही है। हाँ, अमाउंट ऑफ डिप 10 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, ये हो गया, ये जीरो लिखा है ऊपर।